जातिवादी सोच के परिवारवादी दलों ने अलीगढ़ के ताला उद्योग को बंद करने का कार्य किया। अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है? ये डबल इंजन की सरकार ने किया है? ये पुष्टिकरण करते रहे, हमने सशक्तिकरण किया। अलीगढ़ ताला नगरी के रूप में दुनिया में विख्यात है। ताला तालीम और तहजीब ये कभी अलीगढ़ की पहचान थी, लेकिन जातिवादी सोच के परिवारवादी दलों ने अलीगढ़ के ताला उद्योग को बंद करने का कार्य किया। उसके मार्ग में एक बाधाएं खड़ी की, इन परिवारवादी जातिवादी दोनों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था। ये तो बांटो और राजकरो की नीति पर चलते थे। तुष्टीकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे। तुष्टीकरण के आधार पर इनके द्वारा जो समाज में खाई चौड़ी करने का प्रयास किया गया था, इसी का परिणाम था पर्व और त्योहार आता था, लोगों में भय और पसंद का माहौल पैदा हो जाता था। कर्फ्यू लंबे समय तक लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सामान्य नागरिक डर भयभीत रहता था और व्यापारी का उद्योग भी, उसका कारोबार भी ठप पड़ता था। लेकिन आपने आज बदलते हुए अलीगढ़ को, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को आप देख रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की एक नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। भारत के नागरिकों को अब दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। एक ओर भारत की दुनिया में बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, दूसरी ओर भारत की सुरक्षित होती हुई सीमा। आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद पर पूरी तरह विराम लगाने की ओर आज भारत सरकार है। अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है? ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में बंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के बंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने स्थान दिया, उस पर एक्सपोर्ट करने की सुविधा दी। देश और दुनिया में जहां कहीं भी एग्जीबिशन लगते हैं वहां पर अपने एक्सपोर्टर्स को भेजने की पूरी व्यवस्था की जाती है। और भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा के लिए भी डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ में बन रहा है और वह कार्य यहां अलीगढ़ में प्रारंभ भी हो चुका है। क्या कर रहे थे सपा बसपा कांग्रेस के लोग? इनको तो समाज को जाति के आधार पर बांटने से फुर्सत ही नहीं था। ये क्या विकास कराते? ये क्या यहां पर करते? एक पुष्टिकरण करते रहे।
हमने बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर किसान को, हर युवा को और हर महिला को देने का कार्य किया। ये युवाओं का शोषण करते थे, हमने युवाओं को टैलेंट देकर के उसके टैलेंट को ट्रेनिंग के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया है।